Hello friends, welcome to Learn Maths. Please press the subscribe button to subscribe my channel and press the bell icon to get the latest video updates. Let's do question number first of exercise 12A, that is simple interest. Question number first is find the simple interest and the amount when principal is given to us. Pre equals to 6400, R equals to 6%. And time equals to 2 years. Right friends, हमें simple interest निकालना है. Simple interest का formula होता है P into R into T upon 100. P is given to us 6400. R हमें दे रखा है 6% और T दे रखा है 2 years. तो दो zero से दो zero cancel हो गई. तो ये कितना आ गया 64 into 6 2s are 12. Now 64 into 12 करते हैं 2 8s 2 4s 8 2 6s 12 4 and 6 that means 8 6 and 7 rupees 768 is the answer. Now we have to calculate the amount. Amount का formula आता है P plus I. P कितना दे रखा है 7400 और I कितना आया है 768. तो ऐड कर देंगे 68 7 plus 4 is 11 and 7 7168 is the answer. Let's do question number second of exercise 12A, that is simple interest. Question number second is find the simple interest and the amount when principal equals to 2650, rate equals to 8% per annum and time equals to 2 whole 1 upon 2 years. Friends, isko kya likh sakte hain? 2 2s are 4 plus 1, that means 5 upon 2 years. Right friends, now ab hum simple interest ko formula likhenge. P into R into T upon 100. P kitna de rakha hai 2650, R kitna de rakha hai 8% और टाइम कितना दे रखा है 5 upon 2. नाउ 0 1 0 1 0 से कैंसिल हो गई. 5 1s 5 5 2s 10 2 1s 2 2 4s 8 2 1s 2 2 2s 4. तो ये कितना आ गया 265 into 2. तो ये कितना आ गया 2 5s 10 1 कैरी 2 6s 12 plus 1 13 2 2s 4 and 5 5 30 is the simple interest. Now we have to calculate the amount. Amount का formula होता है P plus I. तो P कितना था हमारा 2650 और I कितना है 530. That means 0 8 11 1 carry 3 is the answer. Let's do question number third of exercise 12A, that is simple interest. Question number third is find the simple interest and the amount when principal equals to 1500, rate equals to 12% per annum and time equals to 3 years 3 months. Friends, इसको ऐसे लिखेंगे 3 years. तो वो होल में हो जाएगा. मंथ्स में साथ में दे रखा है तो 3 upon 12. राइट फ्रेंड्स, अब हम इसको यहीं की यहीं भी डिडक्ट कर सकते हैं या इसकी मल्टीप्लाई इसमें और प्लस दिस. लाइक मैं तो आपको दोनों ऑप्शन करके दिखाती हूँ. 12 3s 36 36 plus 3 39 upon 12, या तो ये लिख दीजिए तो भी आंसर आ जाएगा. या 3 1s 3 3 4s 12, तो इसको और क्या लिख सकते हैं हम 3 whole 1 upon 4. वी कैन से दैट 13 upon 4. इसको भी यहाँ काटेंगे तो यही आएगा. देखिए 3 4s 12 3 1s 3 and 3 3s 9. राइट फ्रेंड्स, नाउ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. P की वैल्यू कितनी है 1500, R की वैल्यू 12% और टी कितना आया था 13 अपॉन 4. राइट फ्रेंड्स, दो जीरो से दो जीरो चले गए. 4 1s 4 4 3s 12. तो ये कितना आ गया 15 3s 45 into 13. लेट्स सी 45 into 13 3 5s 15
3 4s are 12 and 13, 1 5 is a 5 and 4, that means 5, 8 and 6. Rupees 685 is the आंसर. नाउ अमाउंट कैलकुलेट करेंगे. अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी प्लस आई. पी दे रखा है 1500, आई आया है हमारा 685. तो 85 एज इट इज, 605 इज 11, वन कैरी 2, 2185 इज द आंसर. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऑफ एक्सरसाइज 12A, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट. क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट व्हेन प्रिंसिपल इक्वल्स टू 9600, रेट इक्वल्स टू 7/1/2% पर एनम एंड द टाइम इज 5 मंथ्स. 5 मंथ्स दे रखा है फ्रेंड्स. इसको ईयर्स में चेंज करने के लिए हम क्या लिखेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे. 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, दैट इज 12. दैट मीन्स 5/12 ईयर्स हो गया, राइट फ्रेंड्स. अब और रेट को कैसे लिखेंगे, 2 7s 14 + 1 इज 15/2%, राइट फ्रेंड्स. अब परसेंट को सॉल्व करने के लिए अपॉन में 100 आता है, तो इसको क्या लिखेंगे, 15/2/100/1. तो इस ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है. मैंने फ्रेंड्स अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, ए अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी हो जाता है. तो ये क्या हो जाएगा, 15/2 × 1/100, दैट मीन्स 15/200% हो गया, राइट फ्रेंड्स. नाउ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. तो पी कितना था, 9600. आर कितना आया, 15/200, और टी कितना आया, 5/12, राइट फ्रेंड्स. दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गई. 2 1s 2, 2 4s 8, 2 8s 16, 12 1s 12, 12 4s 48. तो ये कितना आ गया, 4 5s 20, 15 × 20, दैट मीन्स ₹300. नाउ अमाउंट कितना आया, पी प्लस आई. तो पी कितना था, 9600 प्लस 300, दैट मीन्स ₹99 इज द आंसर. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ऑफ एक्सरसाइज 12A, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट व्हेन प्रिंसिपल इक्वल्स टू 5000, रेट इक्वल्स टू 9% एंड टाइम इक्वल्स टू 146 डेज, राइट फ्रेंड्स. जब हमें डेज में दे रखा होता है, एज वी ऑल नो दैट 1 ईयर इक्वल्स टू 365 डेज. अगर ये लीप ईयर का केस है तो 365 की जगह 366 डेज हो जाएगा. नाउ नथिंग इज गिवन, दैट मीन्स वी विल टेक 365 डेज. तो हम टाइम को क्या करेंगे, तो हम टाइम को क्या करेंगे, 146 डिवाइडेड बाय 365 डेज. तो ये ईयर्स में आ जाएगा आंसर, राइट फ्रेंड. नाउ हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है. सिंपल इंटरेस्ट होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. नाउ पी की वैल्यू कितनी है, 5000. आर की वैल्यू है 9/100 एंड टी की वैल्यू है 146/365. नाउ दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गई. नाउ 5 1s 5, 0, 5 7s 35, 5 3s 15, 73 2s 146 होता है. तो 9 2s 18 × 10 इज 180 रुपीज इज द सिंपल इंटरेस्ट. नाउ अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी प्लस आई. तो पी कितना था, 5000, और आई कितना है, 180. तो पी प्लस आई कितना हो गया, 5180 इज द आंसर. Please subscribe my channel on maths and share it with your friends. Thank you.